देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन माघ मेले का आगाज 14 जनवरी के मकर संक्रांति स्नान पर्व के साथ हो चुका है। पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व के साथ कल्पवास की भी शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन संगम तट पर एक नया अस्थायी शहर बस चुका है। इस नई बसी छोटी सी नगरी को कुंभ नगरी के नाम से जाना जाता है। करीब 47 दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन के लिए एक नया शहर बसाया गया है। इस अस्थायी शहर में वो सभी सुविधाएं होती हैं जो एक शहर में होनी चाहिए। यहाँ सब्जियों की दुकानों से लेकर बर्तन की दुकानें तक मौजूद हैं। अग्निशमन की भी गाड़ियां हर वक्त यहाँ घूमते रहती हैं। बता दें कि शहर तंबुओं का बना होता है। जी बहुत अच्छा लगता है यहाँ। एक वर्ष जो है एक माह कल्पवास के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है और सारी सुविधाएं यहाँ पर जो है रहती हैं। हर साल माघ मेले में माघ महीना रहता है, एक महीने की पूरी सुविधाएं यहाँ पर रहती हैं। हर प्रकार की सुविधा तंबुओं की नगरी होती है, तंबुओं की नगरी रहती है। पूरा तंबुओं का शहर यहाँ एक महीने के लिए बसाया जाता है और माँ गंगा अपने गोद में इसको बसाती हैं। ये माँ गंगा का जो है गोद है, इसी में जो है पूरा तंबुओं का शहर सज के तैयार हो जाता है। यहाँ पर फायर स्टेशन और पुलिस स्टेशन सारे जो है थाना सब बने हुए हैं। बैंक की सारी सुविधाएँ रहती हैं, नल पानी बिजली 24 घंटे सारी सुविधाएं यहां पर जो है मेले में रहती हैं। हालांकि इस बार भी कोविड काल के चलते ज्यादा श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं। इस नए शहर में पूरे 47 दिनों तक न सिर्फ साधु संत बल्कि आम श्रद्धालु धार्मिक धुनी रमते नजर आते हैं। पूरे विश्व में आस्था और श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र माने जाने वाला माघ मेला अब बस चुका है। धार्मिक महत्व के अलावा ये मेला विश्व के प्रमुख सबसे बड़े मेलों में से एक होते हैं, जहां पर देश विदेश के लाखों श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं। यहां पर विश्व का सबसे बड़ा जमावड़ा होता है, साथ ही त्रिवेणी के संगम में स्नान करने की बहुत बड़ी महत्व है। इस स्थान पर तीसरी नदी सरस्वती अब से हजारों वर्ष पहले लुप्त हो चुकी है। आर्यकाल में ये स्थान प्रयाग कहा जाता है और आज इसको प्रयागराज कहते हैं। स्थानीय लोग इस संयोग को शुभ मानते हैं और गौरवान्वित भी महसूस करते हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है। हम लोग तो 5-6 सालों से कंटिन्यू आ रहे हैं और हम लोग तो क्षेत्रीय लोग हैं, वैसे तो आने का मौका मिलता नहीं है, मगर जब ये शहर बसता है देख रहे हैं यहाँ पे पूरी की पूरी एक सिटी एक महीने के लिए पूरी बसाई जाती है। अगर आप शाम को पुल से देखिएगा तो जितना नज़ारा जितना खूबसूरत यहाँ का है पूरी दुनिया में तो कहीं नहीं मिलेगा वो नज़ारा। एक साथ जितने लाइट और इतनी सुविधाएँ हैं यहाँ पर, आपका बैंक है, प्रॉपर रोड है, प्रॉपर पानी का व्यवस्था है, नहाने का घाट अच्छा बन रहा है 3-4 सालों से, इसलिए पुलिस स्टेशन है, फायर स्टेशन है, जो सुविधाएं एक सिटी में होती हैं पूरी की पूरी हमको यहाँ मिल जा रही हैं। एक टेम्परेरी पूरा शहर ही बनाया गया है 2 महीने के लिए। ये केवल प्रयागराज में ही संभव है क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है और पूरे परिवार के साथ हम लोग आते हैं, अलग ही अनुभव होता है आने का। एक दिन अगर हम रुके पूरा देखें तो घर जाने के बाद अलग ही अनुभव आता है, हम भूल नहीं सकते। ये हर साल इसका इंतजार हम लोग करते हैं कि क्यों। करीब 1500 बीघे से ज्यादा क्षेत्र में फैले इस अस्थायी शहर को 6 सेक्टरों में बांटा गया है। कोविड काल में हो रहे इस बार के माघ मेले में ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद कम है। लोगों को सही ढंग से नियंत्रित करने के लिए मेला प्रशासन ने 13 पुलिस थाने का निर्माण किया है और 1 मार्च को महाशिवरात्रि के स्नान पूर्व के साथ माघ मेले का समापन होगा। संगम के तट पर चल रहे माघ मेले में कल्पवास की शुरुआत हो गई है और तंबुओं का जो शहर है वो भी सज चुका है, या फिर कहे कि बस चुका है। हम मौजूद हैं प्रयागराज के शास्त्र ब्रिज के ऊपर। आप देख सकते हैं कि ये तंबुओं का जो शहर है वो है, आपको टेंट दिख रहे होंगे, रंग बिरंगे टेंट दिख रहे होंगे, और इस अस्थायी शहर में वो मूलभूत की सभी सुविधाएं होती हैं जो अमूमन आपको एक शहर में देखने को मिलती हैं। रेलवे स्टेशन के यहाँ टिकट काउंटर्स हैं, पुलिस थाने हैं, फायर स्टेशन है, अस्पताल है, जनरल स्टोर्स हैं, सब्जियों की दुकान है, बिजली विभाग है, साथ ही साथ कोविड जांच के लिए सेंटर्स हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि जो मूलभूत की सुविधाएं आपको शहर में मिलती हैं उसके लिए ये अस्थायी जो शहर है ये बस चुका है। 6 स्नान पर्व होते हैं इस पूरे माघ मेले में और 2 स्नान पर्व भी बीत चुके हैं। अब तीसरा स्नान पर्व 1 तारीख को है और वो है मौनी अमावस्या का। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं उनको इंतज़ार रहता है कि वो संगम की रेती पर 1 महीने तक कल्पवास करें, साथ ही साथ इस अस्थायी शहर का आनंद उठाएं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रजा, पंजाब के केसरी टीवी, प्रयागराज।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।